आज आपका जो सवाल है वो बड़े मज़ेदार है, और वो आपने पूछा कि जी अकाउंट ये पोर्नोग्राफी के लिए, एडिक्शन छुड़वाने के लिए क्या क्या स्टेप्स। हमने ऑलरेडी इस पर, वैसे मैंने आपके साथ बात तो की थी पहले भी इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है मैं दोबारा इसी भी आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें जो एक चीज़ आज रिसर्च से जो साबित हुई है और जो कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले उस पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को बुखार हो, कोरोना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो क्या आप उसको घर से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे, राइट? ऐसा ही है ना। सो इसी तरह आप किसी भी पोर्नोग्राफी एडिक्ट को घर से नहीं निकालेंगे, बिकॉज वो बीमार है और उसको आपकी ज़रूरत है, राइट? वो आपका प्यारा है। सो जब हम उसको घर से नहीं निकालेंगे और हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम कैसे हेल्प करेंगे? हेल्प करने का तरीका है सबसे पहले कि हम उसके साथ खड़े हों। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गिरते हुए जब आदमी एक चोटी पे खड़ा है पहाड़ की, और पहाड़ की चोटी से अगर वो नीचे गिर रहा है तो उसको उस वक़्त आपकी ज़रूरत है। अगर वहाँ खड़ा है तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। हम उस टाइम पर, इसी तरह अपनी औलाद है, हमारे बहन भाई हैं, हम इनकी उस टाइम पे हमें मदद करनी चाहिए जिस टाइम पे नीचे गिर रहे होते हैं। मसलन किसी का रिज़ल्ट बुरा आया, कोई बीमार हो गया, किसी की को खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, उस वक़्त उसे हमारी ज़रूरत है। हम उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए हमें कि ओए तू चल नालायक है, तू हमेशा ऐसे ही करता है, और हम इसी तरह की हल्का बात देते हैं। तो पोर्नोग्राफी एडिक्ट के साथ तो हम और भी ज़्यादा करते हैं, तू है ही बेशरम, तू है ही ये। सो ये वो लोग हैं कि जिनको उस टाइम पे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गिरते सब हैं, मैं भी गिरता हूँ, गिरने में खामी नहीं है, गिर के खड़े होकर होना सीखना वो कमाल है। और वो कमाल हमें कैसे आता है? वो कमाल हमें आता है किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ, अपने अंदर भी, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो जिसे शक्ति कहते हैं वो डेवलप करनी चाहिए हमें अपने अंदर, और उसके साथ किसी की हमें सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा एग्जांपल दिया करता हूँ जिमनास्टिक्स वालों की, कि जब जिमनास्ट ट्रैम्पोलिन पे नीचे गिरता है, अगर उसको खड़ा होना ना आए तो वो नीचे से उठ ही नहीं सकता, ठीक है? मेरे जैसा बंदा जब जिमनास्टिक करने जाएगा तो वो धड़म नीचे गिर जाएगा, जबकि बच्चे आजकल के बार बार उछल उछल के खड़े हो जाते हैं। सो जो इंसान किसी भी पोर्नोग्राफी एडिक्ट जो है, जो इससे जान छुड़ाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो इंसान है जो आपके लिए, मैं पुलिसिंग नहीं कहूँगा, बट आपके, आप ही के अपने बनाए हुए डिसिप्लिन के मुताबिक आपको फॉलो करने का कि हिम्मत दे और उसमें आपका साथ दे, और आपका एक किस्म का वो चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है? और ये वो शख्स, इस शख्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका करीबी हो। ये कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई थेरेपिस्ट नहीं हो सकता। ये आपके अव्वलीन बेहतरीन माँ बाप में से कोई हो, बहन भाई में से कोई हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स में से कोई हो, बिकॉज वो आपको जानता है, वो आपको समझता है, और वो आपके लिए अपने दिल से सिंसियरिटी के साथ टाइम निकाल सकता है। सो सबसे पहली चीज़, और आज की रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बगैर पोर्नोग्राफी एडिक्शन से जान छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं बट बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों के साथ जिनको इससे जान छुड़ानी है, आप अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। देखिए, पहली स्टेप हमने बात की थी 15 मिनट पे अपने दिन को लेकर आएं और दिन को डिसिप्लिन करें, और इसी तरह अब सेकंड स्टेप है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। अगर माँ बाप से जरूर, अच्छा एक और भी इसमें मैं मज़े की चीज़ बताता हूँ, लोग कहते हैं जी हम उनको कैसे जाके बताएं कि हमें ये लत लगी हुई है। आपको ये ज़रूरी नहीं है बच्चे बताना कि उनको ये लत लगी हुई है, आपको ये भी तो आप बता सकते हैं ना कि जी मैं अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना चाह रहा हूँ। कौन सी माँ और कौन सा बाप ऐसा है जो ये देख चाहेगा कि जी मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में कर रहा है और मैं उसका साथ ना दूँ? तो आप उन्हें कहें जी ये मैंने एक कैलेंडर बनाया है, मसलन मैं जब कमरे में आऊँ मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होना चाहिए, आप मेरा फ़ोन मुझसे ले लें, मसलन मेरा फ़ोन बंद कर दें, मसलन इंटरनेट बंद कर दें। अगर ये एग्जांपल्स हैं, अगर हम इस तरह कोई भी स्टेप्स कर रहे हैं, तो आपने कहा जी मेरी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी या मेरे काम में, ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर बात उनको खुलकर ही बताएं, कई दफ़ा खुलकर बताएं तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं बता पा रहे तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो आप किसी और तरह से भी बना सकते हैं, जिसने सिर्फ ये करना है कि जो रूटीन आपने अपने लिए सेट की है उसने ये इंश्योर करना है कि आप वो रूटीन फॉलो करें। सो ये मेरी टिप नंबर 2 है कि आपका पहली टिप ये थी कि 15 मिनट पे अपने दिन को डालें और उसको एनालाइज करें, और दूसरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को लाजमी अपने साथ जोड़ें, जो कि फिर आपको इंशाल्लाह इस सिलसिले में हेल्प करेगा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।